नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। 1 जनवरी 2024 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक्स रे पोलरीमीटर उपग्रह समेत 11 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। अब जानते हैं क्यों खास है एक्सपोसैट। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी C-58 के जरिए लॉन्च किया। इसरो का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। पीएसएलवी C-58 ने एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इस उपग्रह का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। यह किस आकाशीय पिंड से आ रही है, यह रहस्य किन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व बढ़ा है। यह पिंड या संरचनाएं ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, तारे में विस्फोट के बाद उसके बचे अत्यधिक द्रव्यमान वाले हिस्से, आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद नाभिक आदि को समझने में ये मदद करता है। इससे आकाशीय पिंडों के आकार और विकिरण बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल के राज जानने में ये दो उपकरण मदद करेंगे। एक्सपोसैट में दो उपकरण लगाए गए हैं। पहला पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे यानी पॉलिक्स, इसे रमन शोध संस्थान ने बनाया है। वहीं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग यानी एक्सपेक्ट दूसरा उपकरण है, जिसे यूआर राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु ने बनाया है।